हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजडम स्क्वायर साइंस इंस्टीट्यूट। और आज हम देखने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जब कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगी तो उसमें दो रहेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम आज देखने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। तो पहला, कॉकरोचेस आर डाइशियस। तो डाइशियस मतलब क्या होता है? तो सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब मेल ऑर्गेनिज्म अलग रहेगा, फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग रहेगा। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो मोनोशियस है, कैसे है? मोनोशियस है। और कॉकरोच कैसे दोस्तों? डाइशियस है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग रहते हैं, सेक्सेस सेपरेट रहते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं डाइशियस। ओके, तो यहाँ पे एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच का, जो एब्डोमेन में जो प्रेजेंट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स, तो हम वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक बार देख लो, ये जो है ये क्या है? पेयर ऑफ टेस्टिस है। ये थ्री लोब्स दिख रहे हैं आपको, ये एक टेस्टिस हुआ और एक ये टेस्टिस हुआ, ऐसे दो टेस्टिस है। और वो प्रेजेंट कहाँ पे है? तो ये प्रेजेंट है सेगमेंट में। हमने पहले ही देखा था कि कॉकरोचेस डिवाइड होता है, कॉकरोच की बॉडी डिवाइड होती है सेगमेंट में। तो इसका लोकेशन है फोर्थ नंबर का सेगमेंट, फाइव नंबर और सिक्स नंबर के सेगमेंट। तो फोर टू सिक्स तक सेगमेंट में क्या है? ये प्रेजेंट है, क्या है? ये टेस्टिस है। तो कॉकरोचेस में क्या है? पेयर ऑफ टेस्टिस रहेंगे दो। ओके, और वो प्रेजेंट कहां पे है? लैटरल साइड में, वेंट्रल में नहीं है, डॉर्सल में नहीं है, तो लैटरल साइड में प्रेजेंट है टेस्टिस। और उसका लोकेशन मैंने यहाँ पे आपको बताया फोर फाइव सिक्स सेगमेंट में है, मतलब लिख सकते हैं आप फोर टू सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट, क्योंकि वो एब्डोमिन में प्रेजेंट है और लैटरल साइड में प्रेजेंट है। क्लियर? ओके, दूसरी बात, ये प्रोसीजर कैसे होते हैं ये हम देखेंगे। ये डायग्रामेटिक आप देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हर एक पार्ट का, ठीक है? तो पहले समझ लीजिए, टेस्टिस है, टेस्टिस में क्या होता है? स्पर्म प्रोड्यूस होता है, राइट? ये दोनों में ये स्पर्म प्रोड्यूस हुए, वो प्रोड्यूस हुए जो स्पर्म है वो ट्रांसफर होंगे वैस डिफरेंस से। किसी कौन कैरी करेगा उसको? वैस डिफरेंस, ये वैस डिफरेंस उसको कैरी करेगा, राइट? यहां तक आया। अब ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको यहाँ पे जो रेड कलर का है उसको बोलते हैं स्मॉल ट्यूब्यूल, उसके बाजू में क्या है? लॉन्ग ट्यूब्यूल, और ये इसको क्या बोलते हैं? सेमिनल वेसिकल। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल मतलब जो स्पर्म यहां से यहां तक आए वो स्पर्म वहां पे वेसिकल बैगलाइक स्ट्रक्चर या सैकलाइक स्ट्रक्चर जहां पे क्या होगा? वो स्पर्म स्टोरेज होगा। तो ये स्पर्म यहाँ पे स्टोरेज होगा सेमिनल वेसिकल में। ये डायग्राम कैसे है दोस्तों? समझ लो, ये छोटे ट्यूबुल है, ऐसे छोटे ट्यूबुल है, ये वाली पहले स्मॉल ट्यूबुल और उसके बाद बाहर क्या है? लॉन्ग ट्यूबुल है। क्या है? लॉन्ग ट्यूबुल है। तो ऐसे इस प्रकार की ये डायग्राम है, ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ है? और ये जो सेमिनल वेसिकल है यहाँ पे स्पर्म क्या होता है दोस्तों? टेम्पररी स्टोरेज होता है। टेम्पररी मतलब जब कॉपुलेशन के टाइम पे क्या होगा? वो स्पर्म रिलीज हो गया, उसके बाद ये जो ड्यूरिंग कॉपुलेशन एक ऑर्गन है जिसको इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, डक्ट यानी ट्यूब, इजैकुलेशन रिमूव करना, बॉडी के बाहर रिमूव करने वाली जो ट्यूब है, मतलब जब ड्यूरिंग कॉपुलेशन क्या होता है? सेमिनल वेसिकल में जो स्पर्म है वो स्पर्म क्या होते हैं? ये इजैकुलेशन डक्ट जो है या इजैकुलेटरी डक्ट पे इसके थ्रू आते हैं और ये एंड में जो है उसको बोलते हैं मेल गोनोपोर। क्या बोलते हैं? मेल गोनोपोर, और ये मेल गोनोपोर के थ्रू बॉडी के बाहर फेंके जाते हैं। यही ये देख लो, टेस्टिस में से कहां पे आएगा स्पर्म? वैस डिफरेंस में आएगा, राइट? वैस डिफरेंस में से कहां पे आएगा? सेमिनल वेसिकल में आएगा। सेमिनल वेसिकल में से किसके थ्रू आएगा? इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट से मेल गोनोपोर वो बॉडी के बाहर फेंका जाएगा। ओके, और एक बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है, ये स्मॉल ट्यूब्यूल, ये लॉन्ग ट्यूब्यूल, सेमिनल वेसिकल, इसको मिला के ही जो स्ट्रक्चर दिखता है उसको बोलते हैं मशरूम शेप ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मशरूम शेप ग्लैंड, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जिसको बोलते हैं मशरूम शेप ग्लैंड। मशरूम शेप दिख रही है, राइट? और ये प्रेजेंट कहां पे? इसका लोकेशन अगर आप देखोगे तो सेगमेंट देखो, ये फोर फाइव सिक्स तक है, तो सिक्स और सेवन, तो सिक्स और सेवेंथ सेगमेंट में ये ग्लैंड क्या है? प्रेजेंट। ये अच्छे से याद रखना, आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, राइट? ओके, और यही जो ग्लैंड है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इसेंशियल है, इसीलिए उसको बोलते हैं
एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, जो रिप्रोडक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड का ग्लैंड है या बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका रोल है। ओके, दूसरी बात यहां पे, यहां तक समझ में आया? उसके बाद हम देखेंगे कुछ ऐसे पार्ट्स वन बाय वन डिटेल में, हर एक पार्ट का देखने वाले हैं। तो ये जो है, उसके बाद ये जो इजैकुलेट डक्ट के बाद मेल गोनोपोर है, तो मेल गोनोपोर को एक सराउंड करने वाला कुछ स्ट्रक्चर है जो प्रोटेक्शन करने का काम करता है। देखो, एक्सटर्नल जेनिटालिया बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल जेनिटालिया, जिसमें ये जो मेल गोनोपोर है उसको सराउंड करने वाले जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मेल गोनोपोफाइसिस। नाम आपको अच्छे से याद रखना है। क्या नाम है? मेल गोनोपोफाइसिस। और दूसरा एक नाम है इसको, फैलोमियर। क्या नाम है? फैलोमियर। अभी ये फैलोमियर देखो, क्या नाम है? फैलोमियर। तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? फैलोमियर। इसको बोलते हैं लेफ्ट फैलोमियर। ये साइड में आएगा तो ये वाला जो ऊपर का है ये क्या है? राइट फैलोमियर। ये सामने वाले फैलोमियर जिसके इसके लिए उसको बोलते हैं वेंट्रल फैलोमियर। तो लेफ्ट फैलोमियर, राइट फैलोमियर, वेंट्रल फैलोमियर। और ये जो पूरे हैं ये काइटिन से बने हैं यार, काइटिनस। काइटिन पता है, इट इज अ वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और वो क्या करता है? उसको स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है। और ये क्या करते हैं? ये जो फैलोमियर है, जैसे लेफ्ट फैलोमियर, राइट फैलोमियर, वेंट्रल फैलोमियर, वो सराउंड करते हैं दैट पर्टिकुलर ऑर्गन, दैट इज मेल गोनोपोर। और क्या होता है? उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। राइट, ओके, यहां तक समझ में आया? दूसरी बात, अब बाकी के वन बाय वन देखेंगे क्या क्या यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये तो हमने इसके पहले ही देखा है आपने, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको एनुअल सर्कस बोलते हैं। जैसे मिनी रहेंगे या दो रहेंगे तो उसको सरकाय और सरसाय भी बोलते हैं। जैसे एनुअल सरसाय हमने देखा है, मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट रहते हैं और कितने नंबर पे? 10 नंबर सेगमेंट से अराइज होते हैं, उसको बोलते हैं एनुअल सरसाय। और सरकाय एक है इसीलिए उसको बोला है एनुअल सर्कस, ये भी एनुअल सर्कस, ये तो पहले हमने देखा है। राइट, उसके बाद यहाँ पे एक डायग्राम है, इसको बोलते हैं काउडल स्टाइल। क्या है? काउडल स्टाइल। ये देखो, ये साइड में देखो, दो साइड में काउडल स्टाइल है। इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एनल स्टाइल जो सिर्फ मेल में प्रेजेंट रहते हैं, फीमेल में अब्सेंट रहते हैं। नोट करना है आपको ये, क्या एनल स्टाइल जो है क्या रहते हैं? मेल में प्रेजेंट रहते हैं, फीमेल में अब्सेंट रहते हैं। तो इसको यहाँ पे एक नाम है क्या? काउडल स्टाइल। ओके, दूसरी बात, यहाँ पे दो ऑर्गन के नाम दिए हुए, एक टिटिलेटर, इसके बारे में मुझे ज्यादा डिटेल देखना नहीं है। और दूसरा क्या है? सिडोपेनिस। सिडो मीन्स फॉल्स बोलते हैं, और पेनिस जैसे कॉपुलेटरी ऑर्गन, लेकिन यहाँ पे सिडो बोला है, फॉल्स है, मतलब ये नहीं है। तो ये डायग्राम मैंने इतने क्यों बताया आपको? क्योंकि अगर एग्जाम में आया और लेबलिंग करो तो ये सेक्शन को क्या क्या बोलते हैं, इसलिए मैंने ड्रॉ किया। नहीं तो आपको इम्पोर्टेंट इतना ही है, जो भी ये सीक्वेंस आपको अच्छे से याद रखनी है। समझ में आया? ओके, दूसरी बात, यहाँ पे ये डायग्राम में और एक बात समझ में आ गई, मशरूम के ऊपर एक रेड कलर की कुछ तो दिख रहा है आपको। राइट, तो ये जो है उसको बोलते हैं फैलिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं दोस्तों? फैलिक ग्लैंड। और ये जो फैलिक ग्लैंड है, ये मशरूम के पीछे से क्या आती है? ट्यूब्यूल आती है, जो इसके भी पीछे से आएगी नियर और यहां से ओपन होगी, कंफर्म। ओके, अब ये जो है मेल गोनोपोर, और ये बाकी डिटेल में हमने देखा, फिर से एक बार देख लो। ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस कितने नंबर पे? 4, 5, 6, मतलब 4 to 6 सेगमेंट में प्रेजेंट है। दूसरी बात, इसको कौन अटैच है टेस्टिस को? वैस डिफरेंस, जो कैरी करता है स्पर्म को, यहां तक कैरी करेगा। दूसरी बात, ये जो यहाँ पे मशरूम शेप ग्लैंड दिख रही है आपको, उसमें पहले स्मॉल ट्यूब्यूल है, बाद में लॉन्ग ट्यूब्यूल है, ओके, और सेमिनल वेसिकल है। तो ये जो तीनों मिला के उसको मशरूम शेप ग्लैंड बोलते हैं। यहाँ पे सेमिनल वेसिकल में क्या होता है कि स्पर्म स्टोरेज होते हैं, वो टेम्पररी स्टोरेज होते हैं, ड्यूरिंग कॉपुलेशन इजैकुलेशन होगा, और वो कैरी करने वाली जो ट्यूब है उसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। और ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है ओपन होते हैं मेल गोनोपोर, और ये मेल गोनोपोर कहाँ पे ओपनिंग होगा? एनस के वेंट्रल साइड में, मतलब सामने के रीजन में ये क्या होगा? ओपन होगा। ठीक है,
दूसरी बात, यहाँ पे स्पर्म स्टोरेज, जैसे मैंने अभी बोला आपको सेमिनल वेसिकल में, तो जो स्टोरेज होगा तो कैसे है, इन सेमिनल वेसिकल क्या होता है, स्टोरेज होता है स्पर्म। और दूसरी बात, वो ग्लूड होता है, ग्लूड मतलब एक चिपक जाता है, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, एक कॉम्पैक्ट बनेगा, ग्लूड टूगेदर इन बंडल्स, किसमें रहेगा वो, बंडल्स में रहेगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। एमसीक्यू को पूछ सकते हैं दोस्तों, क्या याद रखना है, स्पर्मेटोफोर मतलब सेमिनल वेसिकल में स्पर्म स्टोरेज रहते हैं, लेकिन कैसे, ग्लूड मतलब एक दूसरे से अटैच कंपैक्ट होके, कौन से फॉर्म में, बंडल्स के फॉर्म में रहते हैं। और ये जो बंडल्स के फॉर्म में स्पर्म रहेंगे उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर। और बाद में ये देखा था हमने कि जब रिलीज कब होंगे, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन मतलब मेटिंग, मेल और फीमेल कॉपुलेशन जब मीटिंग करेंगे, एट दैट टाइम क्या होंगे, वो स्पर्म रिलीज होंगे। समझ में आया दोस्तों, यहां तक आपने क्या क्या देखा, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो एक बार फिर से समझ लो, लास्ट मैं रिवाइज करता हूं, अब पेयर ऑफ टेस्टिस रहेंगी, और ये पेयर ऑफ टेस्टिस कहां पे प्रेजेंट है, लैटरल साइड में प्रेजेंट है, अच्छे से याद रखना है। और उसका रेंज क्या है, 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, एब्डोमिन के सेगमेंट में, जिस 4, 5, 6 या 4 to 6 बोल सकते हो, वो रेंज में वहां पे प्रेजेंट है, एमसीक्यू को पूछ सकते हैं। दूसरी बात, सीक्वेंस आपको पता है, टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, वो कैरी करने वाला वैस डिफरेंस है, वो यहाँ पे कैरी करेगा सेमिनल वेसिकल में, सेमिनल वेसिकल में टेम्पररी स्टोरेज रहेगा, सेमिनल वेसिकल ओपन होता है इजैकुलेटरी डक्ट में, और इजैकुलेटरी डक्ट क्या करता है, इलिमिनेट करेगा, हम आगे जाके जो टिप में रीजन है उसको बोलते हैं मेल गोनोपोर, और यहां से इलिमिनेट करेगा। ठीक है, ये यहां तक हमने देखा। बाकी दूसरी बात, मशरूम शेप ग्लैंड, इसको ही बोलते हैं जो 6th और 7th, ये भी पूछेंगे, पूछ सकते हैं आपको। तो 6th और 7th एब्डोमिनल सेगमेंट के रीजन में ये क्या है, मशरूम शेप ग्लैंड है, जिसको एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी बोलते हैं, ये भी एमसीक्यू को पूछ सकते हैं आपको। ओके, दूसरी बात, एक्सटर्नल जेनिटालिया आपने देखा कि मेल गोनोपोर है, जिसको सराउंड करने वाला क्या है, ये फैलोमियर या दूसरा नाम है उसको, मेल गोनोपोर फाइसिल, एमसीक्यू को पूछ सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है आपको, इट इज अ काइटिनस, क्योंकि वो काइटिन से बना हुआ है, राइट। ये मेल गोनोफाइसिल या फैलोमियर, लेफ्ट फैलोमियर भी है, राइट फैलोमियर है, वेंट्रल फैलोमियर है, और वो क्या करता है, ये मेल गोनोपोर को सराउंड करता है। ठीक है, दूसरी बात, स्पर्म स्टोरेज कहां पे होते हैं, सेमिनल वेसिकल में स्टोरेज होंगे, लेकिन कौन से फॉर्म में रहेंगे, तो ग्लूड फॉर्म में, चिपकने वाले जैसे बोल सकते हो, और जब चिपके हुए बंडल्स फॉर्म में रहेंगे, तो उसको एक नाम आपको अच्छे से याद रखना है, स्पर्मेटोफोर। क्या है, स्पर्मेटोफोर, और ये रिलीज होते ड्यूरिंग कॉपुलेशन। बाकी आपको डायग्राम में जो है बाकी वाले, तो सिर्फ नाम याद रखो, इसके बारे में डिटेल नहीं पूछते आपको। और एक है मशरूम ग्लैंड के ऊपर क्या है, एक जो ग्लैंड है उसका नाम है फैलिक ग्लैंड है, ये आपको ये नाम अच्छे से याद रखना है। बाकी ये टिटिलेटर रहेगा या सिडोपेनिस रहेगा, तो ये काउडल स्टाइल है, या ये एनल सर्कस है, ये तो बॉडी पार्ट्स है। ओके, तो मेन इतना ही इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है, यहां तक हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। तो ये लेक्चर आपको दोस्तों कैसे लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दे रहा हूं। थैंक यू।